सिरस से आए हैं। पेशेंट मेरे फादर हैं जो हम ओपीडी में लेकर आए थे। इनको कोई स्टोमिक और जो ये लीवर की कोई ब्लॉकेज का मसला था, तो आदिल नसीर साहब को हम ओपीडी में हमने इनको चेक करवाया, तो उन्होंने रेफर किया था कि इनकी जो है वो बायोप्सी हो जाए या ईआरसीटी उन्होंने सजेस्ट किया था। तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं इनको, आज की डेट उन्होंने दी थी हमें। और यहाँ का अभी तक तो जो हमारा माहौल हमने जो पाया वो बड़ा कम्फर्टेबल है, बड़ी कोऑपरेटिव स्टाफ इनका। तो अभी तक जो हमारी ट्रीटमेंट हुई है तो हम उसे 100% जो है सेटिस्फाइड है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नसीर खान है। मैं शोभा मेहता जिगर खान के यूनिट का सरबराह हूँ और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस सिलसिले में कि हमने एक नया एंडोस्कोपी सूट इस्टेब्लिश किया है। एक्चुअली जब से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का यूनिट बना हुआ है, हमारा एंडोस्कोपी सूट था वो एक वार्ड में ही एक रूम में था जो कि पर्पज़ बिल्ड नहीं था। उसमें हमारे पास प्री ऑप और या पोस्ट ऑप रूम्स नहीं थे जहाँ पे रिकवरी प्रॉपर हो सके और हमें ईआरसीपी के प्रोसीजर के लिए ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता था। लेकिन मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों से, खास तौर पे जो हमारे डीन हैं उमर फारूक साहब, उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लिया और हमें एक जगह लोकेट की जहाँ पे हम एक प्रॉपर पर्पस बिल्ड एंडोस्कोपी सूट इस्टेब्लिश कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्टेब्लिश हो चुका है जहाँ पर हमने 3 एंडोस्कोपी रूम डेवलप किए हैं। हमारे पास प्रॉपर प्री प्रोसीजर रूम है, पोस्ट प्रोसीजर रूम है, रिकवरी एरियाज हैं और हमने इन 3 रूम्स को फंक्शनल कर दिया है। इससे ओवरऑल हमारी पेशेंट केयर में काफ़ी बेहतरी आएगी और हम अपनी सर्विसेज को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। आज भी हम एक साइड बाय साइड एंडोस्कोपी लिस्ट भी चल रही है और ईआरसीपी के प्रोसीजर्स भी चल रहे हैं जिसमें हमारे पेशेंट का वेट टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा और हमारी ओवरऑल सर्विसेज भी काफ़ी बेहतर रहेंगी। मेरा नाम शादा कुमार है और मेरे पेशेंट है, मेरे माँ गुजरात भाई भी है, उनका नाम मोहम्मद एजाज है, वो जबलपुर से है। मैं यहीं डिग्री कॉलेज नंबर 2 के पास से हूँ। हमारा 1 महीना हो गया है यहाँ, हम सब्जी का सीट में एडमिट है। अभी उनको एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ी है, हम आदम नसीर साहब के पास ऊपर आए हुए हैं। हमारा जो इलाज 1 महीने से हो रहा है वो SSP कार्ड भी हो रहा है और जो यहाँ का अमला ये अच्छा है, हमारे साथ हेल्प कर रहा है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो टाइम पर हमको देते हैं।